Hi friends, welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में होम रेमेडी है खराटे बंद करने के लिए. जी हाँ, स्नोरिंग यानी खराटे, इस रेमेडी को फॉलो करने से 7 डेज में 50%, 15 डेज में 75% एंड 21 डेज में 100% बंद हो जाएंगे. फ्रेंड्स, तो समझ लेते हैं कि इस रेमेडी के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए और उनके फ़ायदे क्या हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला इंग्रेडिएंट है देसी गाय का घी. फ्रेंड्स, आयुर्वेद में नासिकर्मा प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है. इसमें नॉस्ट्रल्स के अंदर घी लगाया जाता है ताकि गले के कंजेशन से बचा रहा जा सके और नॉस्ट्रल से सांस लेते समय कोई भी पॉलिटेंट्स अंदर ना जा पाए. सेकंड है बादाम का तेल, जो विटामिन ई से भरपूर होता है. थर्ड है हनी. हनी में एक खासियत होती है कि वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब करने के बाद उसे वो खुद में लॉक कर लेता है. फोर्थ है ओमेगा ऑयल. इसकी क्वांटिटी आपको पर डे 1000 मिलीग्राम रखनी है. ओमेगा 3 ऑयल फिश ऑयल और वेजिटेबल ऑयल दोनों में ही मिलता है. इसके अलावा आपको चाहिएंगे कुछ बैंडेड, कॉटन कप और ईयरबड्स. तो चलिए रेमेडीज़ के स्टेप समझते हैं. नंबर 1, आपको सोने से पहले और खाना खाने के बाद 1 ओमेगा 3 का कैप्सूल लेना है, जिसमें कम से कम 1000 mg हो. फ्रेंड्स, ओमेगा 3 में ऑयल लुब्रिकेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन को मॉइस्ट करके रखते हैं. सेकंड स्टेप है गाय के घी का एप्लीकेशन. आपको इसे रोज़ 2 बार करना है, एक सुबह और एक सोने से पहले. नहाने के बाद में आपको नॉस्ट्रल्स में ईयरबड की सहायता से देसी घी हल्के हल्के लगा के मसाज करनी है. साथ ही आपको 1 ड्रॉप देसी घी अपने बैली बटन में यानी नाभि में लगाना है, उसे अच्छे से मसाज करना है और उसके बाद एक कॉटन लगा के बैंडेड से कवर कर लें ताकि वो वहाँ पे सील रहे. अब बारी है ड्रिंक की. यह ड्रिंक आपको खाना खाने के बाद, अपनी जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उन सबको लेने के बाद सोने से पहले लेनी है. 1 छोटा कप गुनगुना पानी का लें, उसमें 1 चम्मच छोटी शहद अच्छे से मिला लीजिए. अब इस ड्रिंक को सोने से पहले आप पी लीजिए. कुछ लोग किसी वजह से हनी नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में ऑप्शन अवेलेबल है आलमंड ड्रिंक का. आप 1/4 कप गुनगुने पानी के अंदर एक बहुत छोटे स्पून या 8 से 10 ड्रॉप आलमंड ऑयल डालिए, उसे अच्छे से मिला लें और फिर इसे गुनगुना ही पी लें. आप ये दोनों ड्रिंक्स पीने के बाद में पानी पीना अवॉइड कीजिएगा. फ्रेंड्स, यह रेसिपी 100% इफ़ेक्टिव है, 100% सेफ है, साथ ही इसके दूसरे बेनिफिट्स भी हैं. स्नोरिंग के कई रीज़न हैं, जैसे मोटापा, ओल्ड एज, दिन में कम पानी पीना, बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना, आप मेडिसिंस ले रहे हैं या बहुत जंक फूड खाते हैं. फ्रेंड्स, आपने रेमेडी समझ ली है, लेकिन खराटे क्यों आते हैं ये थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए. सोते समय हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है. जो रीजंस हमने अभी डिस्कस किए उसकी वजह से हमारे गले के टिश्यूज रिलैक्स होकर ज़्यादा फैल जाते हैं, जैसे आपकी सांस की नली श्रिंक हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है. सांस लेने में दिक्कत आने की वजह से एयर प्रेशर के साथ हमारे लंग्स छोड़ते हैं, जिससे कि गले में वाइब्रेशन होता है. इस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ निकलती है. यह होम रेमेडी 2 तरह से काम करती है. एक तो स्किन को मॉइस्ट रखती है और अंदर से टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, जिस वजह से सोते समय आपके टिश्यूज़ फैलेंगे नहीं और आपको खराटे नहीं आएंगे. आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और बताई गई रेमेडी को यूज़ करते रहें. आपके खराटे निश्चित रूप से बंद हो जाएंगे.
यह रेमेडी मेरे फ्रेंड सर्किल में बहुत लोगों ने ट्राई करी है और रिज़ल्ट 100% रहे हैं। ये आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। अपने रिज़ल्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।